हेलो दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरडीएच सर। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का आज जो है आठवां सवाल पूछा गया है, आज 16 मई 2020 को। और इस ये जो प्रश्न है ये हम जल्दी इस बार जो है सोनी लिव ऐप पर देख रहे हैं। सोनी लिव ऐप को जब आपको इसके लिए अगर ओपन करना है तो आप सोनी लिव ऐप जो है उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में जो बैनर्स आएंगे उसमें क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। और अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वह हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बता चुके हैं वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको इस बैनर पर क्लिक करने के बाद सीधे सवाल ही दिखेगा। तो हम दोस्तों अभी सीधा सवाल ओपन कर रहे हैं, ये लोड हो रहा है, तब तक हम वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऐप है ये लोड हो चुका है, ये धीरे धीरे लोड हो रहा है, देखते हैं। ये लोड हो रहा है दोस्तों। इस ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल कोई कारण हो या हमारे नेट स्लो होने की वजह से भी हो सकता है। जो सवाल है वो खुलने में समय लगा, पर अभी सवाल आखिरकार खुल चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि आप जब क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करते हैं उसके बाद में KBC का बैनर आता है और जो है सीधे ऐड प्ले होती है, ऐड आती है, ऐड 5 सेकंड की ऐड देखने के बाद में आपको स्किप करना होता है, उसके बाद प्रश्न खुलता है। तो ये जो आठवां प्रश्न है जो 16 मई 2020 आज पूछा गया है रात 9 बजे, और इसका जवाब कल 8:59:59, ध्यान रखिएगा 17 मई 2020 8:59:59 तक देना है। तो ये प्रश्न है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन मोटेरा नियर अहमदाबाद इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच लीडर। मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो मोटेरा में है अहमदाबाद के पास, तो वो किस नेता के सम्मान में, मतलब किस नेता के सम्मान में, किस नेता का नाम दिया गया है मोटेरा स्टेडियम को, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को। तो इसके ऑप्शंस है, ए महात्मा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी माधव सिंह सोलंकी और डी सरदार पटेल। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर शायद आप जानते भी होंगे, या हो सकता है कि इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में आप कुछ विकल्पों में जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार पटेल ये तो जो है गुजरात से, जो अहमदाबाद जो है गुजरात में है तो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। माधव सिंह सोलंकी जी के बारे में हम श्योर नहीं हैं, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। और इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दें, यह जो क्रिकेट स्टेडियम है यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अभी 2020 की अगर बात करें तो, अभी की तारीख में जैसा यहाँ लिखा भी गया है। और दूसरी बात अगर हम करें तो यही, अगर हम क्रिकेट वर्ल्ड अगर निकाल दें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम, ओवरऑल स्टेडियम किसी भी खेल का की अगर स्टेडियम को अगर मिला लिया जाए तो यह क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, और सबसे मतलब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, चाहे वो किसी भी खेल का हो फिर। और इसकी कैपेसिटी है 1,10,000। तो अब हम फिर से सवाल पर आते हैं कि जवाब क्या है। ऑब्वियसली आप जिस काम के लिए हम वीडियो देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों सरदार पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है मोटेरा स्टेडियम को। हम इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे अभी, और सबसे पहले तो हम उत्तर को लॉक भी करेंगे ये ऐप के ज़रिए। और अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं जो SMS के माध्यम से, तो आपको टाइप करना है KBC स्पेस देना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं सरदार पटेल ऑप्शन डी में है, तो आपको उसके बाद में डी टाइप करना है, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में आपकी उम्र टाइप करनी है, जो 1 मई 2020 को पूरी वाली उम्र होनी चाहिए, स्पेस देना है। और फिर आपका जेंडर टाइप करना है, पुरुष है तो M, महिला है तो F, और अगर अन्य है तो O। और आपको SMS जो है 5090 5090 93 इस नंबर पर सेंड करना है। हमने यहाँ पे जो है
ऐप के माध्यम से इस बार इस प्रश्न का जवाब दिया है। हमको थैंक यू वाला जो बैनर है वो आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं, अदरवाइज टेक्निकल कारणों की वजह से हो सकता है कि वो बैनर दिखाई ना दे, जो सुनील ऊपर हम अभी दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देते हैं तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा आंसर सबमिट होने के बाद थैंक यू वाला एक बैनर आना चाहिए। हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ये कुछ तो भी लोड हो रहा है, शायद ये थैंक यू वाला बैनर हो सकता है, हम इसके पूरा ओपन होते तक इंतज़ार करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग करके आया हुआ है। और इस तरीके से जवाब देने के बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो अगले 7 दिन के अंदर हमको कॉल आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने गूगल पर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो टाइप किया हुआ है, आप ये देख भी सकते हैं शायद, या आप देखिए आपको दिख भी रहा होगा। और इतना ही नहीं, अब ये टाइप करने के बाद में जो है हम इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलते हैं वो देखिए, आपको क्लियर कट हमने मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम डाला है, ना कि सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। तो उसके बाद भी आप जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है नियर मोटेरा स्टेडियम में आपको मैप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम ही दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप सर्च रिजल्ट चेक करेंगे यहाँ पे भी वही दिख रहा है, और अगर आप नीचे और थोड़ा सा चेक करेंगे तो विकिपीडिया जो है वहाँ पे भी आप अगर चेक करते हैं तो साफ दिख रहा है सरदार पटेल स्टेडियम का विकिपीडिया पेज है। और यहाँ पे आपको जंप टू में इधर देखेंगे द मोटेरा स्टेडियम इज़ अ क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद, ये पूरी जानकारी लिखी हुई है। अगर हम चाहे तो उसको पूरा खोलकर दिखा सकते हैं, पर हम वो नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की पिक्चर। तो हम उसको दिखा देते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ आप तो दिख ही रहा होगा कि मोटेरा स्टेडियम के नीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम दिखा है, तो आपको जवाब तो मिल ही गया होगा। आप यहाँ पे जो है दोस्तों देख सकते हैं ये व्यू कितना प्यारा है और किस तरीके का, कितना बड़ा विशाल ग्राउंड है। और इसके बारे में जो है हम, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ ना हो इसके लिए जो है ये आपको बता दें कि हम ये विकिपीडिया पर ये इमेज दिखा रहे हैं, विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज से दिखा रहे हैं। और जो इमेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस में नीचे लिखी हुई दिख रही होगी कि पैनोरामिक व्यू ऑफ जो है मोटेरा स्टेडियम सीन फ्रॉम क्लब पेवेलियन, इंडिया प्लेइंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन नवंबर 2010 में फॉर्मर, ये पुराना स्ट्रक्चर है। अब तो दोस्तों अभी अगर आप चाहते हैं कि जो स्टेडियम है इसकी फ़ोटो वगैरह देखें तो आप स्वयं भी गूगल पर चेक वगैरह करके ये सब चीज़ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो है अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी कारणों से तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और हम जब मेहनत करके आप तक वीडियो पहुंचाते हैं तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और अगर ऊपर बेल आइकॉन अगर प्रेस करेंगे तो आपको भी जो हमारी अपडेट्स है, हमारे जो वीडियोज़ है वो बिल्कुल तुरंत में सही समय पर मिलते रहेंगी। और जो है हमें भी खुशी मिलेगी कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और हम अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।